सरों का। मातृभाषा से आपका क्या तात्पर्य? हाँ ठीक है, चलन में इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश बोलना चाहिए, पर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक वैश्विक स्तर पर अपनी मातृभाषा को अलग पहचान। भारत में जितनी भाषाएं उतनी पूरी विश्व में कहीं नहीं है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएं, बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक शाही और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश जनमत। आज का मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके पीछे की वजह जो है 1952 में बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी में एक आंदोलन हुआ मातृभाषा के लिए। इस आंदोलन में कई युवा छात्र शहीद हुए। बाद में 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी दे दी। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिवस पे आम जनों की क्या राय है, छात्र समुदाय इसको किस प्रकार से देखता है और किस प्रकार से इसको मनाने का इच्छुक है, क्या कुछ जानता है अपनी मातृभाषा के बारे में, इसको लेकर आपको जनता की राय बताएंगे, छात्रों की राय बताएंगे। इस समय हम नेशनल इंटर कॉलेज के बाहर खड़े हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पे उनको कितनी जानकारी है, अपनी मातृभाषा को लेकर कितने सहज और कितने इच्छुक हैं। हम नेशनल इंटर कॉलेज के बाहर हैं, गेट नंबर 2 है। हमारे साथ कुछ छात्र जो है यहाँ पे जुटे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आप? कार्तिकेय नाम है मेरा। कौन से क्लास में है और क्या पढ़ाई कर? BSc है, लास्ट ईयर है। BSc लास्ट ईयर। एग्जाम है? एग्जाम आज, यूनिट टेस्ट है, पेपर है आज। जी है। कितनी तैयारी है उसको लेकर? तैयार है लगभग है, अब क्या ही उसमें कह सकते हैं। अच्छा, आज 21 फरवरी है, आपको पता होगा कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो किस प्रकार से जो छात्र वर्ग है इस चीज़ को देखता है, क्योंकि अंग्रेजी का भी चलन काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और कई लोग जो है अंग्रेजी को हिंदी के ऊपर भी तवज्जो देते हैं, तो मातृभाषा से आपका क्या तात्पर्य? देखिए, इस वक्त तो पूरा माहौल इंग्लिश का ही, सब अंग्रेजी अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन अब जैसे हम बड़े हुए हैं हम हिंदी बोल के यही सब, इसी से हम बड़े हुए हैं हिंदी बोल के यही सब सीखे साखे हैं, तो इंग्लिश भी हम लोग मतलब, हाँ ठीक है चलन में इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश बोलना चाहिए, पर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का महत्व क्या है, आप इस चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, BSc के स्टूडेंट हैं, आपके कोर्स में भी इंग्लिश की चीज़ें होंगी, तो किस प्रकार से इस चीज़ों को देखते हैं कि मातृभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता जो है प्राप्त हुई है? मान्यता तो भैया देखिए प्राप्त तो हुई है, ठीक है, और दूसरी बात है कि इंग्लिश जरूरी, इंग्लिश मतलब हम लोग बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश जरूरी है बोलना। आप कौन सी लैंग्वेज में बात करना प्रेफर करते हैं? देखिए सीधी बात, हमको हिंदी प्रेफर अच्छी लगती है, हिंदी हमको भैया अपनी मातृभाषा है, हिंदी हमको अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है, और बाकी अब चलन बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है तो लोग अब ज़्यादा इंग्लिश प्रेफर कर रहे हैं, और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हम लोग हर जगह बोल सकते हैं, इंग्लिश ऐसी जगह हम लोग हर जगह बोल सकते हैं, बाकी अपने देश में तो हम लोग भैया हिंदी हमको सही लगता है, हिंदी हम मातृभाषा अपनी मानते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज के दिन मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी कोई जानकारी है आपके पास? जब अपने देश की जो भाषा होती है उसको हम लोग और मतलब कि वो ग्लोबली एडवर्टाइज करें, हाँ मतलब कि देश जाने की, हम मतलब देश की भाषा ओरिजिन क्या है, इस भाषा क्या मतलब बोला जाता है, यहाँ पर इस भाषा की ज़्यादा मान्यता है, यही सब इसलिए मनाया जाता है ये चीज़। अच्छा, भाषाओं पे भी कॉन्फ्लिक्ट इस देश में देखा गया है, बात की जाए तो साउथ में अलग चलन है भाषाओं का, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, नॉर्थ में अलग चलन है, तो भाषाओं का कॉन्फ्लिक्ट इस प्रकार से देखा गया, तो क्या ये चीज़ें सही हैं कि भाषाओं का कॉन्फ्लिक्ट जो है देश में होना चाहिए? नहीं देखिए, यहाँ भारत ऐसा देश है, यहाँ पर मतलब सारी जाति सारे मतलब धर्म के लोग रहते हैं, तो लोग अपना अपना भाषा अपना अपना बोलते हैं, लेकिन एक भाषा मतलब एक भाषा बोलना चाहिए हम लोग को, ऐसे हिंदी भाषा हमको ठीक लगता है हिंदी भाषा, तो एक एक भाषा लगा रहना चाहिए मतलब। क्या नाम है आप? प्रशांत चौबे। कौन सी क्लास में है, क्या स्ट्रीम? BSc थर्ड ईयर में, हम लास्ट ईयर इनके साथ में ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज है, 21 फरवरी है, और इस तरीके से आप कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को, क्यों मनाया जाता है, क्या कुछ जानकारी? देखिए विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि हमारी भाषा जो है ग्लोबली पब्लिश हो, सब लोग हमारी भाषा जाने, तो ऐसे ही हमारी इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है, बट तब भी हमारी हिंदी को उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है विश्व भर में, इंग्लिश को ज़्यादा आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि
मेनली लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, बाहर भी जाएंगे आप तो इंग्लिश में ही लोग बात करते हैं, हिंदी को उतना लोग जानते नहीं हैं। तो हमारा यही काम है, यही हमारा, इस देश के निवासी हैं हम लोग, तो हमारा यही काम है कि हमें हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़ करना है ताकि सब लोग इसके बारे में जाने, इसका महत्व जाने। और हिंदी हमको पता है कि संस्कृत भाषा से निकल कर आई है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, तो हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। हम देव भाषा कहा जाता है संस्कृत, जी देव भाषा कहा जाता है संस्कृत को। हमें अपने भारत पे गर्व होना चाहिए कि हम भारत में पैदा हुए हैं और हमारे हमारी भाषा सबसे पुरानी देव भाषा है। और संस्कृत चल रही है लेकिन संस्कृत लोग एकदम भूल ही गए हैं। संस्कृत दो तीन क्लास में पढ़ा जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। 12वीं तक संस्कृत भी नहीं है, जो CBSE बोर्ड के स्कूलें हैं वहाँ पर संस्कृत की भाषा ही नहीं है। तो हमें यही काम करना है कि हमें बताना है कि संस्कृत कौन सी भाषा है। और बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड भी संस्कृत की भाषा से लिए गए हैं, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड भी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो हमें यही करना है कि अपने भाषा को ज़्यादा देना है, विश्व भर में फैलाना है। हमारा यही कर्तव्य है देश के प्रति, और भारत के नागरिक होते हुए हमें अपने देश पर पूरा गर्व है। और हमें मालूम है कि हमारे आने वाले पीढ़ी और हम लोग जो पीढ़ी हैं इस भाषा को बहुत ही ग्लोबली पब्लिश करेंगे। और हमें आज शपथ लेते हैं, आज आपसे बात हुई है, मेरी कभी ऐसे बात नहीं हुई है, तो आज हम ये दृढ़ संकल्प लेंगे कि हाँ हम इस भाषा को बहुत सारा फैलाएंगे और इसको आगे तक लेके जाएंगे। तो ये बताइए कि आप किस लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं, आप जब जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, आपने वहाँ सारी चीज़ें देखी होंगी, अपने समाज को देखा हुआ छोटे से लेकर बड़े तक, तो किस प्रकार से जो है आप अपनी मातृभाषा को देखते हैं, क्योंकि उसी को देख कर सीख कर आज आप बड़े हुए हैं और आप भी किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या आपने कहा कि ग्लोबली हम उसको पॉपुलर करें, तो क्या कुछ तरीका हो सकता है आपके हिसाब से कि एक वैश्विक स्तर पर अपनी मातृभाषा को अलग पहचान दिलाने के लिए? देखिए, हम तो गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में, वहाँ पे भोजपुरी ही बोली जाती है, तो हम भोजपुरी बचपन से भोजपुरी बोलते आ रहे हैं। फिर यहाँ लखनऊ में आए तो यहाँ हमने हिंदी सीखा, बात की मैंने हिंदी में, तो अब मैं हिंदी बहुत अच्छे से बात करता हूँ। इंग्लिश भी मेरी वीक नहीं है, इंग्लिश में अच्छा प्रेफर करता हूँ। तो हमें यही करना है, भारत में जितनी भाषाएं उतनी पूरी विश्व में कहीं नहीं है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएं, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं कि हमारी जो भाषा है उनको मातृभाषा बनाई जाए, उसको गवर्नमेंट लागू करे कि पार्लियामेंट में ये भाषा में बात की जाए, इसी में लिखित हो कि जो भी हो इसी में हो। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ, जैसे तमिल में और हिंदी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। तो अभी भी हमारे भाषा में कोई ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, किसी को दिया नहीं गया, बट तब भी लोग इंग्लिश और हिंदी को ही मानते हैं। तो हमें सबको, सारी भाषा को इज्जत देनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए और सभी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है भारत और इसको हमें आगे ले जाना है, हमारा यही कर्तव्य बनता है इस देश के प्रति। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा को मान्यता जो है 1999 में 17 अक्टूबर को यूनेस्को के द्वारा दिया गया। भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और आज के दिन 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी को प्रमोट करने की बात हो रही है, हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो कितना ज़रूरी है अपनी मातृभाषा को जागृत करते रहना, वो भी दूसरों की भाषा को, भाषा के सम्मान करने के साथ। जी, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, हमें हिंदी को बहुत ही आगे तक ले जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग सब लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, यहाँ तो तभी कम है, लेकिन बाहर जो है देश वहाँ पे सब लोग इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं। जैसे चाइना है, उसकी एक भाषा है, उसकी विश्व में 46% लोग करीब चाइना की भाषा को प्रेफर करते हैं। तो ऐसे ही हमको भी अपने जागरूक होना चाहिए और हिंदी को फैलाना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। मेरा नाम नमन दीक्षित है। नमन दीक्षित, किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं आप? मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, BJMC कर रहे हैं? जी सर। तो आप बताइए, आज 21 फरवरी है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो क्या कुछ महत्व है इसका आपके अनुसार? देखिए, मातृभाषा वो भाषा है जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें हम सबसे सहज होते हैं बात करने में। आजकल इंग्लिश का दौर है, हर जगह इंग्लिश को प्रमोशन हो रहा है, बट ये देश जो है हमारा वो हिंदी का देश है। यहाँ पे केवल हिंदी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बोलियाँ हैं भाषाओं से भी ज़्यादा। तो मुझे लगता है आज के दिन हमें उस बात को जानना चाहिए, और सबसे पहले जो हमारे भीतर एक शर्म है, जो जिस वजह से हम नहीं बोलते, हम इंग्लिश को इतना प्रमोट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो सुपीरियर लैंग्वेज है। लेकिन हमें सबसे पहले अपने ही भीतर का वो डर, आज के दिन तो कम से कम संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने भीतर की वो शर्म मिटानी चाहिए और मातृभाषा बोलने पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए।
तो जैसे आपने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि अपनी मातृभाषा से हम जुड़े रहें और उसको बोलने में हमें गर्व महसूस करना चाहिए, जिस प्रकार की चीज़ें आजकल के परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं, भाषाओं के कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे आप साउथ की ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, हिंदी वर्सेस साउथ भी देखा हुआ है आपने, अंग्रेजी का चलन बहुत ज़्यादा है और हिंदी बोलने वालों को अलग नज़र से देखा जाता है, क्या कितना सही है ये? क्या ये ऐसी चीज़ें इस देश में होनी चाहिए जिस देश को एकता और अखंडता का रूप माना जाता है? देखिए, ये उन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास इतनी भाषाएं हैं, ये एक तोहफा है हमारे लिए। आप बताइए कितनी, कौन सा दूसरा देश है जहाँ पर इतनी सारी बोली भाषाएं हैं? तो हमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि केवल हम अपनी भाषा को ना सीखें, हम दूसरी भाषा को सीखें, गुजराती सीखें, मराठी सीखें, तेलुगु, तमिल, साउथ की, तो उनको हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि द्वेष जलन महसूस करनी चाहिए। जब तक हम नई भाषा सीखेंगे नहीं, हम जानेंगे कैसे? तो ये हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं, ये तो हमें गर्व की बात है। और ये भारत विविधता का देश है, तो दूसरा देश ऐसा दुनिया में है नहीं, तो इस पर हमें गर्व करना चाहिए, दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, ये विवाद हमें कहीं नहीं ले जाएगा। लेकिन हम जितना ज़्यादा रिच हो पाएंगे एज अ लैंग्वेज, उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, छात्रों के हिसाब से अपनी मातृभाषा को प्रमोट करने का, उसको ग्लोबली प्रमोट करने का, वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने का क्या कुछ तरीका या कुछ विचार जो है आपके मन में है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं? देखिए, आज के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, स्टूडेंट्स के परिप्रेक्ष्य में, मुझे लगता है ये OTT का ज़माना है। वेब सीरीज जो बन रही हैं आप देखिए अभी, उनमें कहीं ना कहीं वो झलक दिखती है मातृभाषाओं की। तो मुझे लगता है वेब सीरीज़ का जो कंटेंट बनेगा, डिजिटल कंटेंट अगर मातृभाषा में आएगा, जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, तो न्यूज़ चैनल्स अभी हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन अगर लोकल आप जैसे लोग अगर आगे प्रयास करेंगे, तो लोकल जो चैनल्स बनेंगे जो मातृभाषा में, चाहे वो अवधी में हो, चाहे बुंदेली में हो, तो अगर ऐसे भोजपुरी में हो या बिहार में अंगिका, बज्जिका, मैथिली है, ऐसे अगर चैनल्स बनेंगे, न्यूज़ चैनल्स, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितना प्रमोशन हम कर पाएंगे मातृभाषा का, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर साबित होगा मातृभाषा को प्रमोट करने में। जी, मेरा नाम अभिनव है। अभिनव, किस स्ट्रीम के आप विद्यार्थी हैं? मैं BA का छात्र हूं। मेरा अर्थशास्त्र में मैं मास्टर्स ऐसे करने का सोचा है मैंने आगे। जी, तो ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है जी। तो क्या महत्व है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का आप महत्व एक बार अगर समझें एक चीज़ से, तो ये कहा जा सकता है कि हमेशा, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर ये बचपन से सिखाया जाता है कि आप इंग्लिश बोलेंगे अच्छा तो आप क्या कहते हैं बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। क्या जापान आप देखिए, चाइना आप देखिए, वो लोग अपनी मातृभाषा के ही दम पे आज इतना आगे पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो रीजनल, अपनी जो लैंग्वेज थी उसको बहुत ही संभाल के रखा। आप उनको देखिए, इसराइल को देखिए, इसराइल में जो भाषा यूज़ की जाती थी हिब्रू भाषा जो है उस, वो एक टाइप पे ख़त्म हो गई थी एक समय में, लेकिन आज तक इसराइल ने अपनी यह जो यहूदी भाषा है उसको सहेज के रखा, संभाल के रखा, और अपने जो लोग थे उनके अंदर इतना वो डाल दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरी भाषा ना सीखें, हम बिल्कुल सीखें, उससे हमारा मानसिक डेवलपमेंट होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कर दें कि हम दूसरी भाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, बजाय इसके कि हम लोग हिंदी को ये समझें कि एक ऐसी भाषा है जो छोटे लोग इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब हम जैसे यहाँ बैठे हैं, मैं अवध क्षेत्र का हूँ, मेरी भाषा अगर आप देखें तो मेरी अवधी है, पर अभी मैं किसी से अवधी में बात करूँ तो ये समझेंगे कि ये गंवार है, जबकि मुझे अंग्रेज़ी भी आती है। अवधी में कई रचनाएँ लिखी गई हैं, प्रेमचंद जी की रचनाएं कितनी अच्छी अच्छी अवधि में है, ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस पूरी अवधि में लिखी है। आप उस अवधि भाषा हिंदी से है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन अब आज के समय में कोई अगर व्यक्ति अवधि में आके बात करता है तो उसको एक दुर्भावना से देखा जाता है कि अरे ये अवधि है, इस ये पढ़ा लिखा नहीं है। अरे क्यों नहीं पढ़ा लिखा है? इतने जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के थे, अवधि वहाँ की भाषा थी, जवाहरलाल नेहरू ने अपने इलाहाबाद जाके अवधि में भाषण देते थे, तो क्या वो एक अनएजुकेटेड पर्सन हो गए? वो विदेश जाके अंग्रेजी में बात करते थे, उन्होंने अपनी भाषा को भी उतना ही प्रमोट किया जैसे बाकी भाषाओं। हमारे भारत की खास बात यही है कि यहाँ पे हर भाषा की इज्जत है, लेकिन लोगों के अंदर एक भावना जगानी चाहिए कि आप दूसरे की भाषा को भी इज्जत करें। अब आप देखिए, नॉर्थ और साउथ की लड़ाई चलती है, यहाँ पे
हिंदी को ज़्यादा किया जाता है, वहाँ द्रविड़ियन भाषाओं को ज़्यादा प्रमोशन दिया जाता है, यहाँ की जो पिक्चरें होती हैं वो वहाँ वो लोग बॉयकॉट करते हैं, वहाँ की पिक्चरें हम लोग कहते हैं कि वो तमिल की है इसलिए हम नहीं देखेंगे, क्योंकि तमिलियंस और जो कर्नाटक्स और इन मलयालम भाषाएँ की पिक्चरें होती हैं माना बहुत अच्छी हैं सब कुछ है, पर हम लोग हिंदी डब में देखते हैं उसे। उसके बाद वो लोग वहाँ से कमेंट्स करते हैं कि हम आपकी भाषा इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि आपके हमें भाषा नहीं पता, आप हमारी भाषा सीखिए हम आपकी भाषा सीखें, उसमें समस्या क्या है? ये एक जो लड़ाई कर देते हैं, आप ये देखिए जब इंसानों के अंदर के जो डिफरेंसेस होते हैं ना उन्हीं के बीच में लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, इतनी जो युद्ध हो गए, आपने देखिए ज्यूज़ और क्रिश्चियंस के बीच में लड़ाई, तो वर्ल्ड वॉरें हो गई हैं इतनी सारी, ठीक है, तो डिफरेंसेस इंसानों को अलग बनाते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए कि जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं अवधी क्षेत्र का हूँ, कोई एक मराठी है, तो मैं उसे अपनी भाषा सिखाऊँ, वो मुझे अपनी भाषा सिखाए, ये एक मित्रता का होना चाहिए बजाय इसके कि हम एक दूसरे को अलग अलग समझें। इस क्या इस देश की कोई एक भाषा होनी चाहिए जिसे राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए? देखिए राष्ट्रभाषा घोषित मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, तो ठीक है नहीं किया आपने, बहुत अच्छी बात है, पर ये है कि सबको अधिकार दिया जाए। अब आप ये देखिए आजकल का जो तमिल्स में है, ठीक है, यहाँ से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर साउथ में जाता है, उसको ये कहा जाता है कि या तो आप अंग्रेज़ी में चिट्ठी लिखिए, अपनी अपने काम अंग्रेज़ी में करिए, या फिर आप हमारी मातृभाषा में करिए, ये चीज़ गलत है। साउथ में आइए आप तमिल हिंदी में भी दीजिए, हिंदी में लिख के आप, आपको हिंदी अच्छी है आप हिंदी में जवाब दीजिए, आप हिंदी में अपना काम करिए, लेकिन साउथ के भी फिर इधर आते हैं तो उनको ये फोर्स नहीं करना चाहिए कि अब नहीं आप हिंदी में करिए, आप भी तमिल में करिए, ठीक है, ये धीरे धीरे का डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये ज़रूरी है डेवलपमेंट, नहीं तो आज के डेट में भाषाओं के बीच में इतना डिफरेंस हो जाएगा कि नॉर्थ साउथ अलग हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट को हमने कितना इग्नोर किया, हमारे देश ने, नॉर्थ ईस्ट इतनी सुंदर जगह है, मैं होके आया हूँ, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन उनके उनसे आप कभी कभी बैठ के बातें करेंगे ना तो ये कहेंगे कि हम तो आपकी हिंदी सीख लेते हैं, पर वहाँ पे जब हम अपनी भाषा इस्तेमाल करते हैं तो वो हम हास्य का पात्र बन जाते हैं। वो चीज़ हमारे एरिया में भी वो चीज़ को सही करना ज़रूरी है, नॉर्थ ईस्ट वालों को भी हमें अपनाना चाहिए, और हर भाषा एक है, ठीक है, भाषाओं के रूप अलग हो सकते हैं, ठीक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, आप भले ही अलग अलग हैं पर आप हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले आपके अंदर पेट्रियोटिज्म होना चाहिए अंदर, और उस चीज़ को हमें बढ़ावा देना चाहिए जिससे हम भाषाएं अलग अलग सीखें और यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में। आज का जो समाज है, आज की युवा पीढ़ी जो है, वो अपनी मातृभाषा को लेकर कितना जागृत है और किस प्रकार से अपनी मातृभाषा की सोच रखता है? आजकल के जो नौजवान हैं वो अपनी मातृभाषा जो हिंदी है उसको एज अ इन्फीरियर लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, आप ये बताइए कौन सा ऐसा बच्चा है जो हिंदी में सोचता है कि मैं हिंदी में अपनी रचनाएं लिखूंगा, ठीक है, आजकल इंग्लिश ऑनर्स तो सब कर रहे हैं, हिंदी ऑनर्स कौन कर रहा है, मास्टर्स पीएचडी हिंदी में कौन कर रहा है, किसको आज तक ये कोई भी व्यक्ति यहाँ पे 10 हिंदी कवियों के नाम नहीं बता सकता, पर अंग्रेज़ी और ऑस्कर वाइल्ड से लेके शेक्सपियर आप सब बता सकते हैं, ठीक है, तो हिंदी को प्रमोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जिस रीजन की भाषा है उसको प्रमोट करना चाहिए, कर्नाटका में कितने अच्छे अच्छे कवि हुए थे जिन्होंने अपनी भाषा को अपनी जो रचनाएं थी उसको हिंदी में भी कन्वर्ट किया और लोगों तक पहुंचाया और अंग्रेज़ी में भी कन्वर्ट किया, ये चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी इंसान को प्रमोट करनी चाहिए और दूसरों की भाषा सीखनी और अपनी भाषा सिखानी भी चाहिए। आपने कहा कि आजकल की जो पीढ़ी है वो 10 रचयिता लेखकों और कवियों का नाम नहीं बता सकती, तो क्या आप हमारे दर्शकों को हिंदी भाषी के रचयिता लेखकों और कवियों का नाम बताएंगे? तुलसीदास जी हैं, वेद व्यास जी हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने भी हिंदी में कई रचनाएं लिखी हैं, 5 तो मैं अभी बता दे रहा हूं। अभी जाके अगर अभी आप गहन चिंतन करेंगे, बैठ के किसी जगह बैठेंगे, आप कोई हिंदी की किताब खोलेंगे तो आपको 10 कवि तो ऐसे ही दिख जाएंगे, आप क्यों नहीं पढ़ते उन कवियों को, उन कवियों की रचनाएं कितनी अच्छी अच्छी थी, उन्हें आप पढ़िए आप देखिए। इस प्रकार अगर देखा जाए कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में अंग्रेजी में रचना करने वाले ज़्यादा हैं, लेखक ज़्यादा, राइटर ज़्यादा है, लेकिन कोई एक विशुद्ध जो व्यक्ति है जो
हिंदी की रचना करता हो, ये भी इस समय कम देखा गया। हमने पहले देखा हुआ कि जयशंकर प्रसाद से लेकर महादेवी वर्मा सबने जो है हिंदी में बढ़िया बढ़िया रचनाएं की हैं, लेकिन आखिर क्या रीजन है कि आज की जो पीढ़ी है वो हिंदी से दूर जा रही है और हिंदी में रचनाएं लिखना जो है कम हो गई? ये हम लोग ना अंग्रेजी भाषियों से अपने आप को छोटा समझते हैं, मेन मुद्दा यही है। हम लोग के जब ब्रिटिश राज करने आया हमारे ऊपर, तो उसने हिंदी भाषा को महत्व ही नहीं दिया। उसने बोला मैं इंग्लिश मिशनरी स्कूल खोलूँगा, मैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज खोलूँगा, सेंट स्टीफन्स अंग्रेज़ों के ज़माने का कॉलेज है, मैं उसको खोलूँगा, मैं हिंदू कॉलेज भी जो है वहाँ पे भी अंग्रेज़ी भाषा को सिखाऊंगा। उन्होंने अपनी भाषा तो सिखा के चली गई, क्या हमने अंग्रेज़ों को अपनी भाषा सिखाई? क्या ब्रिटेन में आज तक एक भी व्यक्ति है, एक भी प्रधानमंत्री या फिर उधर का वाइस चांसलर जो इधर काम करने आया उसको हिंदी का आ भी आता था, काखा गाघा भी आता था? नहीं आता था। वो लोग अपने लोगों को रखते थे कि तुम्हें हिंदी आती है, तुम अंग्रेज़ी भी सीखो और तुम मुझे ट्रांसलेट करके बताओ। आप क्यों नहीं सीखेंगे? आप भी सीखिए हिंदी, आप हमारे साथ रहने आए हैं, हमारे यहाँ रहने आए हैं, आप हिंदी क्यों नहीं सीख रहे हैं? आपको ज़रूरी है। हम लोगों ने अंग्रेज़ी भाषियों से अपने आप को इन्फीरियर मान लिया है। हम इन्फीरियर क्यों हैं? चाइना इस तरह तो इन्फीरियर मांगा होता तो अपने आप को बहुत पीछे कर लिया होता। आज अभी चाइना ने रिसेंटली सैटेलाइट लॉन्च किया, उसके जो आप कोड्स देखेंगे, उसके जो आपके फंक्शंस, जो सेटिंग होती, एक सेटिंग भी होती है फ़ोन की, वो फ़ोन की सेटिंग भी उन्होंने चाइनीज़ में ऑप्शन दे रखी है और चाइनीज़ वहाँ कंपलसरी है आपको। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी है। हमारे यहाँ जो अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको ये दिखाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति हिंदी भाषा में फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहा है तो उसको हम लोग एक वो करते हैं, अरे इसको अंग्रेज़ी नहीं आती, इसलिए क्यों? हो सकता है आ रही हो, वो प्रीफर हिंदी ज़्यादा करता हो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत गहन चिंतन की बातें हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए इंसान को, मेरे हिसाब से ये सब ज़रूरी हैं। तो भाई ने बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्या नाम बताया आपने? अभिनव द्विवेदी। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आज का जो युवा वर्ग है, आज की जो पीढ़ी है, वो इंग्लिश के पीछे, अंग्रेजी भाषा के पीछे ज़्यादा भाग रहा है और अपनी मातृभाषा जो है या अपनी जो भाषा जिसे वो बचपन से सीखते बोलते सुनते आया है उसके प्रति उसकी जागरूकता काफ़ी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम क्या आपका? मेरा नाम अथर्व सिंह रावत है। अथर्व सिंह रावत, तो मातृभाषा दिवस किस प्रकार से आप देखते हैं इस दिन को? मैं इस बारे में पहले एक लाइन कहना चाहूँगा, जिसको ना निज गौरव ना निज देश पर अभिमान है, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। मातृभाषा दिवस, मातृभाषा क्या है? उसके आगे ही मात्र लगा हुआ है, मतलब माँ। तो आप अपनी माँ को छोड़ के किसी और के पास कैसे जा सकते हैं? चाहे धरती माँ हो, चाहे आपकी मातृभाषा हो, चाहे आपकी अपनी खुद की माँ हो। और ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है तो हम इसका महत्व ऐसे, अभी लोग कहते हैं हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, पर अगर आप यूरोप की कंट्रीज़ देखेंगे, मोस्टली मैं यूरोप की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गोरे लोगों में अक्सर लोग उनको ही गिनते हैं, तो आप यूरोप का जब डाटा उठाएंगे तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो खुद यूरोप में प्रेफर ही नहीं की जाती है। आप फ्रांस देखेंगे, वहाँ पर फ्रेंच चलती है, जर्मनी जाएंगे वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज चलती है, और जितने भी स्पेनिश चलती है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और महाराष्ट्र में मराठी चलती है, कर्नाटक में कन्नड़ चलती है, और साउथ में तमिल और बाकी लैंग्वेज चलती है, तेलुगू। लेकिन वहाँ के लोग जो है उन्होंने खुद इंग्लिश को प्रेफर नहीं किया, इंग्लिश मोस्टली ब्रिटेन में, और जहाँ पे ब्रिटेन का उपनिवेश था, हमारा आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, और USA, कनाडा में भी देखा जाए तो फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है इंग्लिश से, क्योंकि इन सब के अलावा हम इंस्पिरेशन कहाँ से ले सकते हैं अपनी मातृभाषा की? सबसे बड़ी चीज़ होती है मेंटालिटी बदलने की, जैसे कि लोगों का व्यक्तित्व होता है। मैं हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने वैश्विक पटल पे हिंदी को पहचान दिलाने का कार्य किया, कई मंचों पे हिंदी में भाषण दिया जबकि वो इंग्लिश में दे सकते थे, और हमारे देश को ऐसे ही और लोगों की ज़रूरत है। सबसे पहले अटल जी ने जो है यूएन में हिंदी में भाषण दिया था, सबसे पहले जो भारत के वो थे जिन्होंने वहाँ पे जाके हिंदी में भाषण दिया था, उस समय वो विदेश मंत्री हुआ करते थे। जी नहीं वो तो ठीक है, उसके अलावा मैं माननीय जी से मोदी जी ने अटल जी ने दिया वो तो ठीक है, लेकिन मोदी जी अधिकतर अपने दौरों में, चाहे वो विदेशों में जो वहाँ के NRIs हों, हमारे भारतीय, उनको संबोधित करना, वो अपनी मातृभाषा में ही करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये सोचता हूँ कि हमारी जो मातृभाषा है, मेरी तो हिंदी है, अगर मैं साउथ का होता तो तेलुगू या तमिल कुछ भी होती, तो मैं ये समझता हूँ कि विदेशों में रहने वाली जो हमारी कम्युनिटी है वो काफ़ी तादाद में बढ़ चुकी है, और वो इस कदम में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है कि अपनी जो मातृभाषा है हिंदी है उसको विश्व पटल पर पहचान दिलाए। आज दुनिया का हर सातवां आदमी एक भारतीय है,
इस 800 करोड़ की दुनिया में हम लगभग 140 करोड़ लोगों के साथ में अगर आप गिनती करेंगे तो दुनिया का हर सातवां आदमी आपको एक भारतीय मिलेगा, लेकिन भारतीयों की लैंग्वेज को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे जो मेन ये है कि हमारी जो मानसिकता बना दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा वो भी है, उसके अलावा एक मॉडर्न कल्चर, हम लोग खुद को नहीं देखते हैं, दूसरों को देख के ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, ये हमारा हमेशा से इतिहास रहा है। अब मैं आपको किस्सा बताना चाहूँगा भारतीयों के बारे में कि एक बार बहुत पहले की बात है, भारतीय बादशाह के पास में एक विदेशी आया तो उसके पास में दूरबीनें और बाकी कुछ वैज्ञानिक उपकरण थे, तो भारतीय बादशाह ने उससे क्या कहा, उसको सोना दिया और उससे दूरबीन ले ली, बजाय इसके कि उससे ये वो सीखते कि इसको बनाया कैसे जाता है। हम लोग अपनी विलासतापूर्ण जीवन में जीते रहे और दूसरों को कॉपी करते रहे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भाषाओं का कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, ये देश जो है एकता का देश है, अखंडता का देश है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन इस देश में कई बोलियाँ हैं, कई भाषाएँ हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएँ यूज की जाती हैं, और जिस प्रकार से देखा जाता है कि भाषाओं का कॉन्फ्लिक्ट इस देश में होता रहे, तो क्या ये ज़रूरी है कि भाषाओं का कॉन्फ्लिक्ट होता रहे? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, जो कॉन्फ्लिक्ट होता था ये होता है और होता रहेगा, क्योंकि राजनीति है ये, ना इसको आप नकार सकते हैं ना हम नकार सकते हैं, ये भाषाओं का कॉन्फ्लिक्ट तब तक होता रहेगा जब तक राजनीति उस लेवल पर चलती रहेगी। दूसरी कम्युनिटी का हूँ तो मैं उन लोगों को देखूंगा जिनकी बोली और रहन सहन मेरे जैसा हो, ये ऐसा ही, ये समाज इसी तरह से चलता है, लेकिन इसको बदला कैसे जा सकता है? बदलाव का यही तरीका है शिक्षा, आप शिक्षित होंगे, हम शिक्षित होंगे, दुनिया का भारत के निचले से निचले वर्ग का बच्चा इंसान अगर शिक्षित होगा तो ये समझेगा कि भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आप इतने विविधताओं भरे प्रदेश में रहें, देश में रहें, तो उससे ज़्यादा भी महत्वपूर्ण होता है आपस में आपका समन्वय, आपकी बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखिए, हर कोई राहुल सांस्कृतायन बन नहीं सकता कि 30-30 भाषाओं का ज्ञान ले ले, एक आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 भाषाएँ, बहुत ज़्यादा वो विद्वान हुआ तो 4-5 भाषाएँ। तो अब मैं ये सोचूं कि मैं भारत में रहता हूं, मैं मराठी भी सीख लूं, मैं कन्नड़ भी सीख लूं, मैं तेलुगू भी सीख लूं, मैं सारी भाषाएं सीख लूं, कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसके अलावा मेरा वही एक जीवन का उद्देश्य तो है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, एक ऐसी भाषा होनी भी ज़रूरी है जो जिसकी मदद से आप ना सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संवाद कायम कर पाएँ, ये गलत नहीं है। इंग्लिश महत्वपूर्ण थी, है और रहेगी, मैं इंग्लिश के विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर ये विरोध कि आप इंग्लिश के समक्ष अपनी मातृभाषा को दोयम मान लें, ये गलत है। अगर आपको इंग्लिश का उपयोग करना है बिल्कुल करिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर करिए, जब उसकी आवश्यकता पड़े और करिए तो करिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को जो आपकी है, जिसको आपके पुरखों की विरासत है, उसको दोयम दर्जे का ना समझा जाए। इंग्लिश इज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है 21 फरवरी, और देखा जाए तो इस देश में अंग्रेजी का चलन जो है ज़्यादा चल रहा है इस समय, हिंदी भाषी बोलने वाले को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है कि वो इलिटरेट है, उसको अंग्रेजी नहीं आती है, दृष्टि से देखा जाता है, तो क्या ये चीज़ें सही हैं? नहीं, ये चीज़ें गलत है, क्योंकि देखिए इंग्लिश जो है वो हम समझते हैं कि एक, अगर हम प्रोफेशनल लेवल पर देखें तो काफ़ी मतलब यूज़ होती है, बट अगर हम एक जनरली देखें तो हम यूजुअली, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, तो हम हिंदी यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज मतलब वो एक अपने अपना माइंड होता है कि आप कैसे किसी चीज़ को देख रहे हो, नज़रिया होता है, तो मतलब हर चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, क्या कुछ महत्व है आपके हिसाब से? आप एक छात्र हैं, आप आगे जाएंगे, भविष्य में नाम करेंगे, ऐसा कहा जाता है कि जो छात्र वर्ग है, जो युवा पीढ़ी है, वो भारत का भविष्य है, तो अपनी मातृभाषा के लिए कितना गौरवशाली दिन है आज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पे? मतलब काफ़ी अच्छा दिन है, मैं तो हमेशा हिंदी में ही बात करता हूँ, इंग्लिश तो वैसे भी पल्ले तो पढ़ती नहीं, नाम मात की आती बस, तो मतलब ऐसा नहीं कि, बट फिर भी स्टिल हम इंग्लिश को रिस्पेक्ट करते हैं, तो मतलब हमें इंग्लिश इतनी आती है कि मतलब ऑलमोस्ट मैंने जितने लोगों को देखा कि एक कम्युनिकेशन हो जाए, कॉन्वर्सेशन हो जाए, लाइक अगर आप किसी काइंड ऑफ इंटरव्यू में हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस उतने भर की इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा वो कैप अच्छी होनी चाहिए, तो बट उतना ही महत्व अगर आप हिंदी को भी दोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो आपकी अपनी लैंग्वेज है, तो आप यूजुअली आप जब हिंदी को बचपन से यूज़ करते आ रहे हो तो हमें उसकी आदत है, तो इट्स नॉर्मल, बट अगर यही हम बाहर देखें तो इंग्लिश को हम लोग नॉर्मली यूज़ करते, तो उनके लिए वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। और आप कहीं हो, और आप कहीं भी हो, अगर आप जैसे कि आपकी जो मातृभाषा है वो आप बिल्कुल मातृभाषा में बोलिए, क्योंकि आज की डेट में
जिसको भी इंग्लिश नहीं आती है वो भी इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंग्लिश बोलने से बहुत सारे आदमी बहुत अच्छे हो रहे हैं और बहुत बड़े हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको भी कहीं भी हो, चाहे आप देश में हो चाहे विदेश में हो, आपका अपना मातृभाषा है, उसका अलग ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जो कि बहुत सारी युवा पीढ़ी नहीं करते। इसीलिए जो है आज का जो दिवस है, जैसे कि भैया बता रहे हैं कि आज जो युवा राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इस उपयोग में आदमी को, चाहे हम हो चाहे जितने भी युवा हों, उनको अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए, और जो है जो हिंदी का प्रयोग है वो कम से कम करना चाहिए, और करना चाहिए तो का प्रयोग कम करना चाहिए, नहीं हिंदी नहीं, इंग्लिश भाषा का प्रयोग कम से कम, इंग्लिश भाषा का जो प्रयोग कम से कम करना चाहिए, और अपनी मातृभाषा को ज़्यादा प्रेरणा देनी चाहिए। सिर्फ आज ही के दिन या फिर हमेशा के लिए? नहीं, हमेशा के लिए, जब भी आप कहीं भी हो, चाहे देश में विदेश में हो, आपको हिंदी भाषा में प्रयोग होना चाहिए। किसी व्यक्ति के जीवन में आपने कहा बहुत बड़ा योगदान होता है उसके व्यक्तित्व को निखारने में, तो क्या योगदान है आपके जीवन में, क्या योगदान था आपकी मातृभाषा का? हमारी मातृभाषा का ये योगदान था, सबसे पहली बात अगर ये की जाए कि अगर हम हिंदी और संस्कृत की बात करेंगे और भाषा की नहीं, क्योंकि हमारी मातृभाषा यही है, तो हिंदी में किसी भी अगर हम एब्यूजिंग लैंग्वेज गाली भी देना चाहते हैं ना, तो उसमें एक बार ये होता है कि हम उसको अच्छी तरह से जो है समझ पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं, और उसकी मतलब हम जब गाली देते हैं तो हमें ये फील हो पाता है कि हम कितना गंदा काम कर रहे हैं। ये होता है एक मातृभाषा का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में। जैसे कि संस्कृत में आप देख सकते हैं कि आप इंग्लिश में गाली दे सकते हैं, आप एक पॉसिबल है कि हिंदी में भी गाली दे सकते हैं, लेकिन संस्कृत में आप गाली नहीं दे सकते, संस्कृत में आप एब्यूजिंग लैंग्वेज ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं। मातृभाषा दिवस पर अगर देखा जाए तो इस देश में हिंदी वर्सेज इंग्लिश का भी चलन देखा गया, हिंदी वर्सेज तमिल का भी चलन देखा गया, भाषाओं की कॉन्फ्लिक्ट भी देखी गई, तो क्या ये इस देश में, इतना बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, इस देश में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कई भाषाओं बोलियों के बोलने वाले मानने वाले लोग रहते हैं, तो क्या भाषाओं की कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जैसे कि एक सेट बना हुआ है, उसके सबसेट हैं तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये उसके सबसेट्स हैं। जैसे कि हिंदी क्या होता है, हिंदी आप बहुत कम ही ऐसे प्रांत हैं जहां पर आप जाएंगे, प्रांत पहले थे, आज स्टेट जिनको हम कहते हैं, मर्ज है हमारे में, तो वहां जाएंगे तो आप हिंदी को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब कन्नड़ बोलेंगे तो कन्नड़ पूरे हिंदुस्तान में हर जगह नहीं समझी जा सकने वाली लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी आप कहीं भी बोलेंगे वो कन्नड़ बोलने वाला भी हिंदी समझेगा, मलयालम बोलने वाला भी हिंदी समझेगा, लेकिन मलयालम बोलने वाला अगर उत्तर प्रदेश में आ जाएगा तो हम उसकी बातें बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। ये होती है एक इम्पोर्टेंस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, और इसका मकसद ये है कि दुनिया भर की जो संस्कृति है, जो भाषा है, उसका सम्मान हो, और अपने भाषा और संस्कृति की जागरूकता फैलाना। अगर बात करें तो हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के इस मुद्दे पर लखनऊ के नरसिंह पीजी कॉलेज में जाकर बच्चों से बातचीत की, छात्रों से बातचीत की, और सभी छात्रों ने अपने अपने विचार भी इस मुद्दे पर व्यक्त किए। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। मातृभाषा से आपका क्या तात्पर्य? हाँ ठीक है, चलन में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बोलना चाहिए, पर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक वैश्विक स्तर पर अपनी मातृभाषा को अलग पहचान, भारत में जितनी भाषाएँ उतनी पूरी विश्व में कहीं नहीं है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं।